सो so गाइस मैं आप लेके आ चुका हूँ निकल लेके जहाँ पे आप सभी लोगों को सेवेंटी फाइव रुपीज़ मिलने वाला अपने पेटम में ठीक है तो आपको इसमें क्या करना है आपको ये लिंक ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आप वहाँ पर टेप यहाँ पे आ जाओ यहाँ पर आपको जो कोड दिख रहा है ना आपको सिम से कोड चाहिए आपको कोड के लिए क्या करना आपको एक ना अपना मोबाइल का स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लिया स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको ना होम पे ना दबा देना जैसे होम पेज पर आप आ जाओ यहाँ पर ना ये गूगल वाले दिख रहे हैं स्क्रीन वाले आप यहाँ पर क्लिक करने यहाँ पर जो अपने स््रीन शॉट लिया आपको वहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करके जो आपको वहाँ पर कोड दिख रहा है ना सिर्फ आपको यहाँ पर जो टेक्स दिख रहा है आप टेक्स पे आ जाना है आपको जो कोड रहा है ना वो आपको कोड को यहाँ से ना कॉपी करना सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है इस कोड का लेने के बाद गूगल पे आना कॉपी पेक्स कर लेना चले वेबसाइट पर आने के बाद अपना पेटे नंबर दे देना जिस पेटेन नंबर में आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ है ठीक है तो मैं अपना पेटे नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ आपको अपना पेटे नंबर यहाँ पर डाल देना ठीक है तो यहाँ पर पेटे नंबर डालने का यहाँ पर स्कोर करना है और बटन पे आपको यहाँ पर टेप कर देना है ठीक है टैप कर दूंगा जैसे टैप कर दूँगा पर जाओ तो मैं स्टोर पर जैसे आ जाओ आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना ठीक है याद रखना इसमें न्यूजर ओल्ड है तो पहले से इंस्टॉल ना हो अपने डिवाइस तो अपने पहले से होगा अपने पापा या मम्मी के मोबाइल इंस्टॉल कर लेना ओपन सामने कुछ इस का इंटरफेस आ जाएगा ठीक है जैसे ही इंस्टाट पर आ जाएगा आपको यहाँ पे ना जो दिख रहा है रजिस्ट्रेशन कार्ड रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे कुछ मांगेगा आपका नाम अब आप में से बहुत सारे को नहीं है आप लोग छोटे बच्चे तो अभी हो नहीं आप में से सब लोग बड़े हुए होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे ठीक है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना आता ही होगा सबसे तो सब अपना मोबाइल नंबर डाल देने का बोलेगा जी डालने को बोलेगा फिर वह आपका नाम डालने को बताएगा फिर एक पासवर्ड क्रिएट करने को बताएगा तो अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो आपने कोड वहाँ से ना कॉपी किया था ना टेक्स में तो आपको ये कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है ठीक है यही प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हो ठीक है वो ये वही प्रोसेस है ठीक है आपको इस कोड को यहाँ से ना कॉपी जो किया था ना वो उस गूगल से आपको ही कोड को पर पेश कर देना है कंडीशन पर आपको टिक कर देना है और लॉग इन भी कर देना है जिससे आपको आप पे ना अपने पेटीएम में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको सेवेंटी फाइव रिसीव हो चुका तो है बस इतना ईजी प्रोसेस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में